हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजन अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। ये गाड़ी है ऑक्सोगेन पोलो और ये गाड़ी मेरे पास आई है। इसकी पावर स्टेयरिंग हार्ड हो गई है, तो अभी हम चेक करेंगे इसका पावर स्टेयरिंग हार्ड क्यों हो गया और आपको बता भी देता हूँ। इसकी मीटर में लाइट भी लग गई है पावर स्टेयरिंग का, ये देख सकते हैं ऑरेंज कलर का लाइट लग के रह रहा। और ये स्टेयरिंग बिल्कुल हार्ड हो गया है, तो अभी हम इसको स्कैन करेंगे और देखेंगे स्कैनर में क्या क्या फॉल्ट आता है। आप पावर स्टीयरिंग में जा करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर स्मार्ट डिटेक्शन में आप स्कैन कर सकते हैं। तो मैं स्मार्ट डिटेक्शन में स्कैन करूँगा, क्योंकि इसका जो पावर विंडो है उसका ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो हम लेंगे स्मार्ट डिटेक्शन, इसमें पूरी गाड़ी आपका स्कैन हो जाएगा। रियर विंडो डिफोगर, ये डोर का कंट्रोल मॉडल, तो डोर का फॉल्ट तो दिखा रहा है। और एक फॉल्ट और आया है पावर स्टीयरिंग में, U140A00 टर्मिनल 30 ओपन सर्किट, तो ये पावर स्टीयरिंग का फॉल्ट है। इसकी वजह से ये पावर स्टीयरिंग हार्ड हो गया इसका और मीटर में लाइट लग गया है। ये टर्मिनल 30 जो रहता है, जो ये कोई वायर अगर कट हो जाती है मेन वायर, या तो फिर उसका फ्यूज वगैरह कोई उड़ जाता है, तो ये टर्मिनल 30 का फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम अभी इसका फ्यूज चेक करेंगे और उसके बाद फिर अगर फ्यूज से नहीं होगा तो फिर बाकी वायरिंग वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्यूज चेक कर लेना है। अभी इसकी बैटरी के ऊपर फ्यूज रहता है, वो पहला देखना है। तो अभी हम आ गए हैं बैटरी के इधर। तो सबसे पहले अभी बैटरी के जो फ्यूज है जितने भी, ये चेक कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहा है ये फ्यूज रहता है, तो ये भी अगर कोई फ्यूज उड़ जाएगा तो भी टर्मिनल 30 का फॉल्ट कोड आएगा। और ये भी फ्यूज है, तो इसमें तो अच्छा दिख रहा है, ये तो दिख के आ जा रहा है कि ओके कट नहीं हुआ है कहीं से। तो ये फ्यूज में तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम ये फ्यूज चेक कर लेते हैं हम टेस्टिंग लाइट से। तो अभी हम टेस्टिंग लाइट ले लिए, अभी एक एक करके हम फ्यूज चेक करेंगे। सबसे पहला अभी ये ओके, मैंने एक वायर यहाँ पे लगा लिया माइनस में, और ये एक एक करके चेक करना है। ये भी ओके, बाकी सब चालू दिखा रहा है। ये वाला जो देख सकते, ये जो वायर है ब्लैक रेड, ये नहीं बता रहा इसमें। तो ये जो फ्यूज है ये शॉर्ट हो गया है और इसके वजह से टर्मिनल 30 का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो कोई वायर वगैरह कट नहीं हुआ है, सिर्फ ये फ्यूज शॉर्ट हो गया है। तो आप इसको पूरा चेंज कर सकते हो, असेंबल आता है पूरा, इसको चेंज कर सकते हो, या तो फिर इसको बाईपास करके वो भी कर सकते हो, लेकिन चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको बाईपास करता हूँ, सिर्फ ये मैं चेंज कर दूँगा नया, यहाँ से एक वायर मैं यहाँ पर बाईपास कर दूँगा। तो आपको ऐसा एक वायर ले लेना है और वायर को छील लेते हैं।
मैंने दोनों तरफ वायर छील लिया है। ये वायर इसमें लगा देंगे, ये लग गया। तो ये बाईपास करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि अगर कहीं वायर शॉर्ट रहेगा तो ये इधर स्पार्क वगैरह हो सकता है, जल सकता। तो मैं आपको खाली सिर्फ दिखाने के लिए ये वायर लगा रहा हूँ। ये मैं पूरा फ्यूज बॉक्स चेंज कर दूंगा इस गाड़ी का। ये हो गया हमारा। अभी आपको करंट दिखा देता हूँ, उसमें करंट आ जाएगा। सब में करंट है। अभी फॉल्ट कोड को क्लियर करते हैं और उसके बाद गाड़ी चालू करते हैं। फॉल्ट कोड को करते हैं क्लियर। फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया और सिस्टम नॉर्मल हो गया और यहाँ से लाइट भी चला गया। गाड़ी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट तो नहीं आ रहा है और हमारा स्टीयरिंग भी है फ्री हो गया। तो सिर्फ एक फ्यूज जाने को जैसे इसका स्टीयरिंग हार्ड हो गया था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने अभी फ्यूज को बाईपास कर दिया और इसकी पावर स्टीयरिंग हार्ड होने की प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया।